हेलो फ्रेंड्स, स्टोरीपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस ग्रह पर रहते हैं यानी धरती, उसके अंत होने के कुछ संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। हमारे धरती पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं और इसी दौरान धरती ने कई आपदाएं झेली है, जैसे कि धरती के बर्फ से जम जाना, अंतरिक्ष से एस्ट्रॉयड का गिरना और सबको जलाकर राख कर देने वाला रेडिएशन। और अगर ऐसे ही लाखों करोड़ों सालों तक चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी कारण से पृथ्वी के विनाश हो सकता है। नंबर 5 पर है सूर्य का फैलना। सूर्य एक ऐसा तारा है जिसकी वजह से हमें धरती पर जिंदगी मिली है, लेकिन विज्ञानियों का कहना है अब से ठीक 5 अरब साल के बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। सूर्य में मौजूद कोर हाइड्रोजन समाप्त होने के बाद सूर्य के उपदानव चरण में विस्तार होगा और करीब 50 करोड़ साल के बाद ये आज के मुकाबले 200 गुना बड़ा और 10,000 गुना ज़्यादा चमकदार हो जाएगा और हमारी पृथ्वी इसके चपेट में आकर शुक्र ग्रह से ज़्यादा गर्म हो जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद हर चीज़ जलकर राख हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जिंदा रहने का एक ही रास्ता हो सकता है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाकर बस जाए जो हमारे इंसानों के रहने के काबिल हो। नंबर 4 पर है एस्टेरॉयड्स का खतरा। कहा जाता है हमारे पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत इसी एस्टेरॉयड्स के कारण हुआ था और ये एस्टेरॉयड्स हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगर एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी के साथ टक्कर होने से विशालकाय डायनासोर्स खत्म हो सकते हैं तो और एक बार एस्टेरॉयड्स के टक्कर से पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व खत्म होना कोई मुश्किल बात नहीं होगा। हालांकि ये कुछ चीज़ों पर निर्भर करेगा, जैसे एस्टेरॉयड्स टकराता कहाँ है, उसका आकार कितना बड़ा है और भी बहुत कुछ। वैसे कुछ एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकराए जरूर है लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। एपोफिस नाम का एक ऐसा एस्टेरॉयड्स 2004 में पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरा था और यही एस्टेरॉयड्स 2029 में फिर से पृथ्वी के बहुत ही पास से गुजरेगा और टकराने पर बहुत ही बड़ी तबाही फैला सकता है। अगर ये एस्टेरॉयड इस बार भी नहीं टकराता तो विज्ञानियों का कहना है कि ये 2036 में फिर से लौट कर आएगा और तब इसका पृथ्वी के साथ टकराना लगभग तय है। और अगर ये टक्कर हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से 10 लाख गुना ज़्यादा तबाही होगा और इससे पृथ्वी में रहने वाले जीवन का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा। नंबर 3 पर है सुपर वोल्केनो इरप्शन। धरती पर ज्वालामुखी के फटने पर बहुत बार कई लाखों इंसानों के मौत का कारण बन चुका है। माउंट तंबारू के ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में है, 1816 के अप्रैल के महीने में इसी ज्वालामुखी ने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी और इसके फटने से हुई तबाही 50,000 मौत से सीमित नहीं रही। आसमान में रही गैसों के कारण वायुमंडल में तापमान कम हो गया और जिससे फसलें नष्ट हो गई और जिसके कारण 1 लाख और लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, ये तब भी सिर्फ एक सामान्य ज्वालामुखी के फटने से हुआ था, लेकिन अगर इसकी जगह कोई एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो सोचिए तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। सुपर वोल्केनो आम वोल्केनो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। नॉर्मल वोल्केनो में मैग्मा 1 किलोमीटर तक होता है और दूसरी तरफ सुपर वोल्केनो में 1000 किलोमीटर तक मैग्मा फैला हुआ होता है, मतलब तबाही 1000 गुना से ज़्यादा होने का संभावनाएं होती है। मैग्मा का तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सुपर वोल्केनो के फटने से इतना ज़्यादा काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो कि सूर्य के किरण को धरती पर आने से सालों तक रोके रखेंगे और धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। नंबर 2 पर है कामा रेस का विस्फोट। कामा किरणों की शक्ति इतना ज़्यादा है कि कई विकसित सभ्यताओं को कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म कर सकता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का अंत कामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। कोई भी सितारों का ख़त्म या विस्फोट होने के बाद बड़ी ही ज़बरदस्त ऊर्जाएं पैदा होती है और अगर यही घटनाएँ हमारे मिल्की वे में होता है और इससे आने वाले ऊर्जाओं यानी कामा रेस हमारे पृथ्वी को कुछ ही पल में ख़त्म कर सकता है। ये विस्फोट इतना भयंकर होता है कि अगर धरती से 100 प्रकाश वर्ष दूर भी कामा रेस विस्फोट होता है तब भी इसका असर धरती पर ज़रूर होगा और इतना ज़्यादा रेडिएशन से धरती के ऊपर का वायुमंडल बहुत गर्म हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर जल जाएगा और जिसके बाद धरती के जीव जंतु सामान्यों से 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन से
जल जाएगा। पानी के करीब रहने वाले ज्यादातर जीव राख में जल जाएंगे। पृथ्वी से इंसानों का निशान कुछ ही पलों में मिट जाएगा, लेकिन धरती के नीचे रहने वाले जीव तब भी जिंदा रहेंगे। नंबर एक पर है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नॉर्थ और साउथ पोल पर बर्फ बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने के कारण से हमारे पृथ्वी का तापमान भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण आने वाले भविष्यों में बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में भी हमारी धरती की हालत शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर